प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते। गृहीतोऽत्र महाचक्रे धष्टो धृतवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं यत्याङ्कितोऽभ्रमे त्रैलोक्यत्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते। क्रीडिणी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले मृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणी नमोस्तुते। श्रीमद्धूते स्वरूपेण हतदत्त महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते। दष्टाकरालभदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोस्तुते। लक्ष्मीवज्रे महाविद्ये शब्दे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। वेदे सरस्वती वरे भूतिभ्रमितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते द्वैवस्रायिणो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनम् त्रिशूलम् पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते। हीनस्ति ध्यत्यते यंसि स्वनेनापूयजा जगत् स्वखण्डा पातु नो देवी पापेभ्यो नासुतानिव। असुरासुर्वसा पङ्कचर्चितस्य करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतो चण्डिके त्वां नता भयम्। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा दुकामान् सकलानभीष्टा त्वामाश्रितानामपि पन्नराणाम् श्रयतां प्रयान्ति। एतत्कृतं यत्कथनं त्वयाद्य धर्मधिषां देवि महासुराणां रूपैर्नेकैर्बहुधा त्वमूर्तिं कृत्वाम्भिके तत्प्रकरोति काम्याम्। विद्यासु शास्त्रेषु विवेकधीपे स्वाध्येषु वाक्येषु च कत्वदन्या मम त्वगर्जेति महान्धकारे बिभ्रामयते तरदीव विश्वम् रक्षासि यत्राग्रविशाश्च नागा यत्रायो दस्यबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वम् विश्वेश्वबन्धा भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनन्दा देवे प्रसीद परिपालयनोरिभीते नित्यं यथा सुरभथा दधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वातिहारिणि त्रैलोकवासिनामि त्रैलोकानां वरदा भव। देव्योभाच वरदाहं सुरगणा वरं जनमनसेक्षत त्वं वृणोध्वं प्रयक्ष्यामि जगतामुपकारकम्। देवाकोचुः सर्वाभाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्। देभ्यो वाच देवस्वतन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भोऽशुम्भश्चैवान्याम् उत्पत्स्ते ते महासुरौ
नन्द गोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भव ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिभासिनीम् पुनरप्यतिरोधेन रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हरिष्यामि व्यपचित्ता सुदानवान् दक्षयन्ता च तानुग्रान् व्यपचित्तान् महासुरान् रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दारिणी कुसुमोपमा ततो मा देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा सुवन्तो व्यवहरिष्यन्ति सततम् रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्या मनामृष्ट्या मनम् वसीम् मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि योनिजाम् ततः शरेण नेत्राणाम् निरीक्षिष्यामि जन्मुनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शतलक्षेमितिमासलः ततोऽहमखिलम् लोकम् आकन्देह समुद्भवे भविष्यामि सुराशाके आविष्टैः प्राणधारके शाकम्भरीति विख्यातुम् तदा यास्याम्यहम् भुवि तत्रैव च भविष्यामि दुर्गमाख्यम् महासुरम् दुर्गा देवीति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहम् यदा भीमम् रूपम् कृत्वा हिमाचले रक्षासि रक्षयिष्यामि मुनीनाम् त्राणकारणात् तदा मा मुनया सर्वे स्वश्यन्त्रानम्रमूर्तयः भीमा देवेति विख्यातम् तन्मे नाम भविष्यति जदारुणाक्षेत्रे लोके महाभद्रम् करिष्यति तदाहम् ब्राह्मणम् रूपम् कृत्वा सङ्ख्ये षट्पदम् हे लोकस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् ब्राह्मदेति च मालोक सदा शोष्यन्ति सर्वतः इत्थम् यदा यदा बाधा दानभोक्ता भविष्यति तदा तदावतीर्याहम् करिष्याम्यलि संशया कालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवगुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी माँ भगवती की स्तुति करते हैं आरती के इस पवित्र वेला में जो भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है आप सही भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकरण माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षफल होता है विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपकी सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी है सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है धन लाभ होते हैं उनका यश
उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती ही, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही, दीर्घ आयु को प्राप्त होते ही, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इसमें जगजननी माँ जगदम्बे की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्याना विद्युत्तम समान प्रभा मृगपति स्कंधस्थितां वेषना कन्या विकरभारकेतविरसत् हस्ताभिरासेविता हस्ते चक्र गदा त्रिकेट विशिखा चापंगुनंतर्जने बिभ्रानामनला त्रिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम विभ्युभच देभिस्तभिस्मानित्यं स्वश्यतेया समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयं मधुकेतवनाशं च महिषासुरगातनं कीर्तयिष्यन्ति चेतद्बलपदं शुम्भनिशुम्भय अष्टम्यां च चतुर्दशा नवम्यां चेकचेतसा शोषन्ति चैव देवक्या महामाहात्म्यमुत्तमं न तेषां दृष्टिरं किञ्चित् दृष्टिसोधा न चाफलः भविष्यति न दारिद्र्यं न चेवेश्च विलोचनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रा नरतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मामेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्थेन लिखत् उपसर्गान् शेषास्तो महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन् मनः यत्र तत्पठ्यते सम्यग् नित्यमायत मे मम सदा न तद्विमोक्षा मे सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायां मरणिकारे महोत्सवे सर्वममेतचैतं उच्चार्यं श्राभ्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृताम् प्रतिष्ठिष्यामहं प्रेता बन्दि होमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्या ममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वाबाधा विमुक्त धनधान्या सुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तया शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भया पुमान् रिपुवा सङ्ख्यां जान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं न शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गः क्षमं जान्ति गृहपीडा च दारुणा दुःस्वप्नं च निर्वेदृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नूनां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेवनाशनं सर्वं मे तन्माहल्यं मम सन्निधिकारकम् विप्राणां भोजने होमे प्रोजनीये हर्मिषम् अन्ये च विविधे भोगे प्रधाने वत्सरेण च प्रीतिमहे क्रियते स्वस्मिन् स्वकृते सुचरिते सुखे सुखमहर्ति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मना कीर्तनं मम युद्धे शोचरितं जन्मे दुष्टदैत्यादिवर्हनम्
तस्मै शुचे वैरिकितं भयं पुंसां न जायते युष्मा स्तुतयो जाच जाच ब्रह्मर्षिभिर्कृता ब्रह्मणा च कृतस्ता सुप्रयच्छन्ति शुभामते अरण्ये प्रान्तरेवापि धालाग्नि परिभारितः दस्युभिर्भावृता शून्य गृहे को वापि शत्रुभि सिंहभ्याघ्रानुजातो वा वने वा वनहस्तिभि राजक्रुद्धेन च जप्तो बद्धो बन्धो कृतोऽपि वा आघ्रोन्वितो वा भातेन सिता पोते महानवे प्रतसूयापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाव्यद्युतोऽपि वा स्वर्णमये तच्चरितं नरामुच्चेत सङ्कटा मम प्रभव सिंहाद्यादस्य नो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्वरतश्चरितं मम ऋषिर्वाच हित्यक्त्वा सा भगवती चण्डिका चन्द्रविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्दीयत तेऽपि देवा निरातङ्कः स्वाधिकाराङ्गथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रो विनिहतारयः नेत्या च देव्या नेते शुम्भे देवरिपोजुलि जगद्विध्वंसनि तस्मिन् महोग्रतुलभिक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूम जगतः परिपालनम् तयेतन्मोयते विश्वम् सेव विश्वम् प्रसूयते साझाचिता च विज्ञानम् तुष्टारुद्यम् प्रयच्छति व्याप्तम् त्वयेत सकलम् ब्रह्माण्डमल्लेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवसृष्टि भवत्यजा स्थितिम् करोति भूतानाम् सेवकाले सनातनी भवकाले नृणाम् सेवा लक्ष्मी वृद्धि प्रदा गृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशाय प्रजायते स्तुता सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धादिभिस्तथा गृहातिवित्तम् पुत्राश्च मतिम् धर्मे गतिम् शुभा अत्सिद्धकुञ्जकस्तोत्र शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापा शुभो भवेत् नाकवचम् नारकला स्तोत्रम् कीलकम् नारहस्यकम् नासूक्तम् नाभिध्यानम् च नान्यासो न वाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलम् भवेत् हरिगोयतरम् देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपदीयम् प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वति मारणम् मोहनम् वश्यम् स्तम्भनोच्चादनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्ड्रायै विच्चे ॐ गौ हौ क्लीं ध्रूं सः ज्वालय ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्ड्रायै विच्चे ज्वल हंसं लघं वट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि नमामेकवहारिण्यै नमस्ते महिषाधिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनि जागृतम् हि महादेवे जपम् सिद्ध्यम् करिष्य मे हृङ्गारे शिशिरूपाये हृङ्कारे प्रतिपालिका हृङ्गारे कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तु चामुण्डा चन्द्रघाते च एकारे वरदायिनि द्वित्रे साभयदा नित्यम् नमस्ते मन्त्ररूपिणि भ्वां भ्रीं ध्रुं ध्रुर्गते पत्नि भ्वां भ्रीं भ्रूं भागधीश्वरि क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शांशीषुं मे शुभं कुरु हुं 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 काररूपिण्यै झं 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 वनाधिनि भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवे भद्रे भवाने ते नमो नमः हं टं चं टं तं बं यं चं भिं दुं ऐं भिं हं चं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय धीतं कुरु कुरु स्वाहा पां प्रीं भ्रूं पार्वती पूर्णा खां खे भ्रूं केचरी तथा
सांसेषु सप्तशतीतेभ्य मन्त्रसिद्धिम् करिष्यामि। इदम् तु कुञ्जिका स्तोत्रम् मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यम् गोपितम् रक्ष पार्वति। यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनाम् सप्तशतीम् पठेत् न तस्य जायते सिद्धि अरण्ये लोदनम् यथा। अथ दुर्गाय तद्धराष्टकम् नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्धापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्भञ्जपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी त्रयि दुर्गे नमस्ते जगत्यन्तमानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्रयि दुर्गे अनाथस्य भीनस्य वृषनातुरस्य भयातस्य भीतस्य भद्रस्य यन्तो त्वमेकागतिर्देवि निस्तारकर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणि त्रयि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले सङ्कटे राजगेहे प्रभाते त्वमेकागतिर्देवि निस्तारयेतु नमस्ते जगत्तारिणि त्रयि दुर्गे अपारे महादुस्तरे चन्तघोरे विवत्सागरे भजतामेह भजम् त्वमेकागतिर्देवि निस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणि त्रयि दुर्गे नमश्चण्डिके चन्द्रदौधन्द्रलीला समुखण्डिताखण्डलशेषशत्रुः त्वमेकागतिर्भेग्नसन्दोहर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणि त्रयि दुर्गे त्वमेका सदाराधिकत्वभाधि नेकाखिल क्रोधनाक्रोधनिष्ठा युधापिन्द्रलत्वम् सुषुमनाशनाडे नमस्ते जगत्तारिणि त्रयि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिव भीमनाथे सदा सर्वसिद्धे सदा स्वरूपे विभूते सदा कालरात्रि स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्रयि दुर्गे शरणमसि सुरानाम् सिद्धविद्याधराणाम् धनुजधराणाम् व्याधिभिः पीडितानाम् निर्भते ग्रहगतानाम् दस्युभिः श्रान्तानाम् त्वमसि शरणमेका देवि दुर्गे प्रसीद। श्रीभगवते स्तोत्रम्। जय भगवती देवि नमो भरते जय पाप विनाशिनी नमो भरते जय शुंभ शुंभ कपाल धरे प्रणमामि तुझे जय चल
Yeah.
क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्षं मया भासो यमित्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्भेति चोदरे गार्हतिं समभाप्नोति नाताम् ब्रह्मा जयासुराः सापराधोऽस्मि शरणम् प्राप्त स्वाम् जगदम्भिके इदानीमनुतम् योऽहम् यदिष्यसि तदातु अज्ञानाद् विस्मृते भ्रान्त जन्योनाम् अधिकम् कृतम् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देवि प्रसीदः परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणाचामिमाम् प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि धुर्याति धुर्यघोत्रेतम् गृहाणास्मत्कृतम् जपम् सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरि सच्चा ज्योता वाली माता तेरी सदा जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा जय बोलो सच्चे धर्मार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से वायु निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो, हर भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बड़ा समय अभक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इसमें जगजन ने जगत माता के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने का, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का अभक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ भगवती का स्तवन कर रहे हैं, ये तपस्थल ही तब भूमि है, ये परम पवित्र स्थल ही, यहाँ पर बैठने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होते ही परम पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन यात्रा जो है जिस सुखद हो जाती है। इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुहा के अंदर प्रवेश किया था और इस गुहा के अंदर माँ भगवती आदि शक्ति
दिव्य पिंडी को विराजमान होकर के तब करे ही। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जब प्रकट होंगे पापों का नाश करेंगे और भक्तों की रक्षा करेंगे। तो जो भी भक्त ने सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से इस जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के इस दिव्य गुफा के अंदर माँ के चरण नतमस्त होते हैं, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है। सच्चे हृदय विशुद्ध मन से जब भक्त जन जाए आर्त भाव से माँ को पुकारते हैं, अपना दुख अपने कष्ट माँ के सामने रखते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, ये तीनों माता जो हैं उनकी प्रार्थना को स्वीकार करती हैं और हृदय से उन्हें वरदान देती, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य जो हैं बस सिद्ध होते हैं। वह भक्त जन सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनके सभी कष्ट सभी दुख दूर होते हैं। तो इस प्रकार से भगवती महाकाली जो है ये शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करती है, रोग से मुक्ति देती है, देश विदेश में अंग संग रक्षा करती है। माता महालक्ष्मी मां वैष्णवी ये शरणागत भक्तों को धन लक्ष्मी का वरदान देती है, कार्य में सफलता प्रदान करती है, कारोबार में वृद्धि करती है, धन धन की वृद्धि करती है, सर्वत्र भक्तों का मंगल मंगल करती है। माता महासरस्वती ये शरणागत भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती, ज्ञान देती है, विवेक देती है। इस प्रकार से जो भगवती आदि शक्ति तीन शक्ति रूप में जो हमारे विराजमान है, जब भक्त जन जो है इन तीनों शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है, जो सब माँ के आशीर्वाद का फल होता है। माँ के दर्शन, माँ की आराधना, माँ का आशीर्वाद, इसमें अद्भुत शक्ति होती है। इस प्रकार से साधक जन जो है भगवती की शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, माँ के चरण में अपना मस्तक झुकाते हैं, तो माँ के आशीर्वाद से जो है उन भक्तों के सब कार्य सिद्ध होते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होते हैं, स्वस्थ पापों का नाश होते हैं, पर पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन यात्रा सुखद हो जाती है। बोले सच्चे दरबार की जय। तो आज जो है पुत्रदा एकादशी है, इसका नाम पवित्र एकादशी भी है, पुत्रदा एकादशी जो पापों का नाश करने वाली है, संतान सुख देने वाली है और सब ओर से कल्याण को देने वाली है। कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं, विशेष तिथि होती हैं, जिनका जप पाठ जिनमें क्योंकि भगवान की आराधना अर्चना जप पाठ जो है इसका अनंत गुणाफल होता है। और फिर इस प्रकार से इस शक्ति परंपरा कर ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए पुण्य अर्जित करने का, जब पाठ करने का, क्योंकि आप घर में बैठकर जो पाठ जब करते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं, वही सत्कर्म जो है किसी देवालय मंदिर में जाकर के या तुलसी माता के समीप बैठकर के आप जो जगा करके वह पाठ करते हैं, किस तीर्थ में जाकर के माँ के दरबार में आकर के वह जो है पाठ किए जाते हैं, उसका 100 गुना अधिक फल होता है बनेश्वर घर की। इस प्रकार से इससे जे जब तब करने से, भगवान की आराधना करने से, भगवान की स्तुति करने से पुण्य की वृद्धि होती है, पापों का नाश होते है, जीवन सुखी हो जाते हैं, जीवन में जो बाधाएं होती हैं वह बाधाएं दूर होती हैं और सर्वज भक्त जन जो है मंगल वह मंगल को प्राप्त होते हैं। तो ये एकादशी जो है एकादशी का व्रत करना, एकादशी के दिन जो है इस प्रकार से भगवान की आराधना करना, जप करना, स्नान करना, ध्यान करना, इसका अनंत गुणफल होता है। तो जो पुत्रदा नाम की एकादशी जो है, कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने यह प्रश्न जो है भगवान श्री कृष्ण से किया था कि श्रावण शुक्ल पक्ष के किस नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से, उस दिन साधना करने से, भगवान की आराधना करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपा कर करके हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि भगवान पांडवों का समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते, उनके अंग संग रहे हैं, शासन रहे हैं, क्योंकि पांडवों ने धर्म का त्याग नहीं किया, धर्म के मार्ग पर चलते रहे और धर्म कर्म करते रहे और अंत में धर्म की विजय होती है, धर्म की विजय हुई। तो इस प्रकार से मनुष्य को कभी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान जो है जो भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते, धर्म कर्म करते हैं, भगवान कृष्ण किसी में भगवती जो है उनका मार्गदर्शन करती है, कैसे उन्हें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है, उनके हृदय में ऐसे सद्विचार आते हैं अपने आप बैठे बैठे घर बैठे
आप माँ के दरबार में आए हैं तो आपके मन में ऐसा विचार बना है कि हम माँ के दर्शन के लिए चलें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, माँ के दर्शन का लाभ प्राप्त करें, तो अंदर ऐसे सद्विचार पवित्र विचार जब उत्पन्न होते हैं समझ लेना हम पर देव कृपा हो रही है। फिर चल करके जहाँ पर पहुंचे जहाँ पर भी ऐसी कृपा हो गई, सोचा नहीं था कि माँ के दरबार में वहां पहुंच करके हमें आरती में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जिनका जो भगवती कल्याण चाहती हैं, जिनका कल्याण करना चाहती, जिनका मंगल करना चाहती हैं, जिनके कष्ट जिनके दुख दूर करना चाहती हैं, उन्हें ये माँ अपने दरबार में बुलाती है, चरण बिठाती हैं, हृदय से आशीर्वाद देती हैं और सब उनका मंगल मंगल करती हैं। तो ये उसकी कृपा है, क्योंकि उसके बुलावे के बिना जहां पर कोई आ नहीं सकता और उसकी कृपा के बिना जहां पर कोई बैठ नहीं सकता। तो फिर ऐसा सौभाग्य प्राप्त होना जो है तो उसकी कृपा से ही संभव होता है। जब मनुष्य जो है धर्म कर्म करता है, तीर्थाटन करता है, दीन दुख की सेवा करता है, भगवान के नाम का जप कर उसका मन करता है, मैं भगवान का स्मरण करूं, भगवान को प्रणाम करूं, इस प्रकार से प्रार्थना करूं, जप पाठ करूं, तो हृदय में ऐसे विचार आते हैं और फिर वह सत्कर्म करते हैं और उससे वह परम कल्याण को प्राप्त, इस लोक में भी कल्याण को प्राप्त होते हैं, उसका परलोक भी कल्याण हो जाता है। तो जैसे महाराज जी भगवान श्री कृष्ण जी प्रश्न करते हैं कि इस प्रकार से जो श्रावण शुक्ल पक्ष जो एकादशी जो है उसका क्या नाम है, उसका व्रत करने से क्या फल मिलता है, कैसे व्रत करना चाहिए, इस प्रकार से वे प्रश्न करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है जब उन्हें बतलाते हुए कहते हैं कि द्वापर के प्रारंभ में, द्वापर के प्रारंभ में की बात है कि इस पृथ्वी पर जो है महिजित नाम का एक राजा थे, बड़े धर्मशील राजा थे और इस प्रकार से वह राजा जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते थे और प्रजा का पुत्र की भांति जो है उनका पालन के प्रजा को किसी प्रकार दुख न हो, और यदि कोई दुराचारी दुष्ट है चाहे वह अपना भाई बंधु ही क्यों नहीं हो उसको वह दंडित करते थे। इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते धर्मानुकूल कर्म करना, समय बीता, वृद्धावस्था आ गई। एक दिन राजा को ध्यान आया कि मेरे तो कोई संतान ही नहीं है, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो इस प्रकार से मैं बड़ा दुखी हुआ कि जन्म में मैंने कभी कोई पाप कर्म किया नहीं, तो फिर जो कैसे जो है मेरे घर संतान, मेरे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा चिंतित हो गए और इस प्रकार से अब जो है वह क्या हुआ, राजा जो थे वह प्रजा के बीच में गए, सभा बुलाई, स्वयं जो है प्रजा के बीच में जाकर के उनसे कहा, संबोधित करते हुए कि मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया और प्रजा का जो ठीक प्रकार से पालन किया, अपने पुत्र की भांति जो उनका पालन किया है और कभी किसी को दुख नहीं दिया, और जो खजाना जो है मेरे पास जो है मैंने धर्म के मार्ग पर चलते धर्मानुकूल कर्म कर करके जो है जो ही मेरे पास जो धन जो खजाने भरा है जो सब जो है कभी कुछ पाप की कमाई नहीं है। इस प्रकार से मैंने धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्म का पालन करते हुए जो है जो राज धर्म होता है उसी के अनुसार जो है उसका पालन करते हुए मैंने ये सब किया है, फिर मुझे संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ, अब तक मेरे घर संतान नहीं हुई है, इसका कारण क्या है आपको विचार करना चाहिए। तो राजा प्रजा से कहते हैं, कितना परस्पर जो है प्रेम भाव था। अब प्रजा भी ये चिंतन करने के लिए जो है एकदम जो सबके मन में विचार आया है कि ये तो हमारा कर्तव्य है, हमें चिंतन करना विचार करना चाहिए ऐसा जो कैसे हुआ हमारा राजा जो है दुखी है, श्रेणी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब जो है प्रजा ने कहा कि आपने जो कहा जी सब ठीक है, हमें जानना चाहिए ऐसा क्या हुआ। तो कहते हैं कि प्रजा में जो भी विद्वान लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, अन्य जो भी मुख्य लोग थे सभी एकत्रित हुए, उन्होंने सभा की, विचार किया हमें राजा के लिए कुछ करना चाहिए। तो सबने जब विचार किया तो जो निर्णय हुआ हम वन में जाएंगे, वन में जाकर के ऋषियों की खोज करेंगे, संतों के पास जाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, हमें कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसके करने से जो है राजा को संतान सुख की प्राप्ति हो, हमारा राजा सुखी हो जाए। तो सभी प्रजा वर्ग दुखी हो गया, राजा के दुख में प्रजा दुखी हो गई कि ऐसा कैसे हुआ। तो हम तप करेंगे,
राजा के लिए तब करेंगे, राजा को सुखी करने के लिए। तो प्रजा जो है अब वहां से निकली, वन में जो है अब जब जाने लगी, वन में गए, इधर उधर संतों की खोज करते हैं, और संतों की खोज करते करते ऐसी देव कृपा हुई कि उन्हें महर्षि लोमश के दर्शन हुए। लोमर्षि जी जो है ये बड़े ही जो है तेजस्वी ऋषि हैं, ब्रह्मा की तरह जो है इस प्रकार ऐसे ऋषि, ऐसे तपस्वी, त्रिकालदर्शी, जो तीनों कालों की बातों को जानने वाले हैं, ऐसे ऋषि शास्त्रों के ज्ञाता जो है और दीर्घायु को जो प्राप्त है। लोमस ऋषि जो है, लोमस नाम इसलिए इनका पड़ा हुआ है, इनके जो है पांच लेकर सिर तक बाल ही बाल है। लोम, लोम जब बाल को कहते हैं, लोम ही लोम है, और कहते हैं जब एक एक कल्प बीतता है तो उसके शरीर का जो है एक एक बाल जो गिरता है, तो कितनी आयु उसकी होगी। ऐसे वह ऋषि जो है, वह उनके दर्शन हुए, ऋषि के दर्शन हुए तो प्रजा जो थी प्रसन्न हुई कि मुझे प्रजा के दर्शन जो है ऋषि महाराज के दर्शन हुए। तो दर्शन से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसे संत दर्शन से जो है। वह ऋषि इतनी जिनकी आयु है लोमस ऋषि, उसने अपना कहीं आश्रम नहीं बनाया हुआ है, कहां रहते हैं, भगवान की साधना करते तब करते हैं, और जंगल में है किसी भी वृक्ष के नीचे रात निकाल लेते हैं। कहते हैं कि जीवन का भरोसा नहीं कब समाप्त हो जाए। तो जिसकी आयु कितनी है, एक लोम एक बाल गिरे तो एक कल बीतता है, और कब उसकी आयु संपूर्ण होगी। और आज जो मनुष्य जो है जिसकी आयु क्षण भंगुर है, कब समाप्त हो जाए, और वो भी जो है चाहे 10 साल 20 साल 15 60 साल 70 साल 80 साल, इससे ऊपर कौन जाएगा। लेकिन वो कितना कितना कितने वो लोभ में पड़ा हुआ है, दिन रात जो है एक मंजिल है, चार मंजिल होनी चाहिए, एक गाड़ी 10 गाड़ी बाहर खड़ी होनी चाहिए, एक फैक्ट्री 10 फैक्ट्री होनी चाहिए, और जीवन कितना है किसके लिए। और जिनके लिए कर रहे हैं, जब हम संतान के लिए बच्चों के लिए जो इतना कुछ इकट्ठा करते हैं, वह संतान भी देखती है कि मेरे पूर्व ने इतना कुछ किया हुआ है, इतना इकट्ठा कर दिया है, खाएगा कौन। वो काम नहीं करते, वो करेंगे कुछ नहीं, फिर कहते हैं हमारे बच्चे दुराचारी हो गए, बात मानते नहीं, क्योंकि कमाया होगा, बाप की कमाई मिलेगी तो फिर वो क्या करेंगे, कमाया हुआ मिलेगा। तो इस प्रकार कुबेर के पुत्र भी, उनको भी यही हुआ था कि जब कमाई संपत्ति मिलती है तो फिर जो है क्या होता है, दो तीन व्यसन जो उनको लग जाते हैं, स्त्री संग, इस प्रकार मार पर चलना, सुरापान करना, वैश्यवृत्ति, जुआ, ये चीजें दुर्व्यसन जो उनको लगते हैं। और जब जिसको पता है मुझे अपने के लिए घर भी बनाना है, मुझे खाने के लिए रोटी भी कमानी है, तो काम करेगा। इसलिए जो है कहा है कि लोमस ऋषि जो है वन में रहते हैं, वृक्षों की छाया में अपना जीवन व्यतीत करते, तब करते हैं जहां रात पड़ती है वहीं अपने कहीं आश्रम भी बनाया है। ऐसे ऋषि के दर्शन हुए, उनके चरण पर नाम किया, तो उन्होंने पूछा महाराज प्रजा से किस कारण से आपका आगमन हुआ है बताइए। तो उन्होंने कहा कि कहीं राज्य के भाग्य से ही, कहीं उसके पुण्य उदय हुए हैं, तो ऐसे ऋषि के हमें दर्शन हुए हैं, अब हमारा कल्याण निश्चित है, कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। तब जो है उन्होंने ऋषि से प्रार्थना की, महाराज हमारे राजा महिजित जो है, जो पृथ्वी के राजा हैं और उनकी प्रजा है, और राजा हमारे दुखी हैं, उनके दुख से हम सभी दुखी हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं, उन्हें संतान सुख नहीं है, हमारा कोई मार्गदर्शन करें, आपके हमें दर्शन हुए हैं, कोई बतलाइए, उपाय बतलाइए, किस प्रकार से हम साधना करें, कोई भगवान की आराधना करें, हम तब करना चाहते हैं, तब करके राजा को सुखी करना चाहते हैं, बतलाइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तब जो कहते हैं कि उनकी बात सुनकर के ऋषि जो थे वह ध्यान मग्न हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने ध्यान लगाया, उसके बाद नेत्र खोले, कहा कि आपका राजा महिजित जो है, जो अपने पूर्व जन्म एक बनिया था, बनिया था और गांव गांव जाकर के व्यापार किया करता था, जेठ का महीना था, एक बार जो है वह बनिया जो था वह उसे प्यास लगी, गांव से बाहर ही एक जो है बावली थी, बोली जो है जलाशय जो है वहां बह गया जल पीने के लिए, और वहीं पर जो है एक
प्यासी गाय अपने बछड़े के साथ अपने बेटे के साथ जो है वहां पर आ पहुंची। कड़ी धूप थी, मध्याह्न का समय जो है ज्येष्ठ महीना, कितनी कड़ी धूप घर में होती है, और वह गौ माता जो है अपने बछड़े के साथ अपने बेटे के साथ वहां जल पीने के लिए आई, जबकि बीमार थी, उसे तथा बीमार थी, और जब जल पीने के बाद जल पी रही थी, उधर से बनिया बाबर आते हैं, वह उसको वहां से हटा देता है, जल पीती गांव को वहां से हटा दिया और भगा दिया, वहां से दूर भगा दिया। अब उसने क्या किया होगा, वो उसको पाप लगा उसका जो है, स्वयं जल पिया लेकिन गौ माता को जल पीने नहीं दिया। अब जो है उस पाप के कारण से जो है अब उसके किसी जन्म का पुण्य था, अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई, परंतु संतान सुख नहीं, संतान सुख नहीं है जिससे पाप हुआ है। तब जो है प्रजा ने कहा, महाराज ऐसा पुराणों में कहा है कि प्रायश्चित रूपी पुण्य करने से जो है जब व्यक्ति को पता चलता मुझसे जब पाप हो गए, वह प्रायश्चित करता है, क्षमा याचना करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं और आगे के लिए पाप नहीं करूं। इस प्रकार से जब भगवान के शरणक धोकर के उस भगवती के शरणक धोकर के जब साधु ये प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना अद्भुत शक्ति होती है तो पापों का नाश होता है। तो ऐसा कोई उपाय बतलाइए, ऐसा प्रायश्चित इसके करने से जो है वह राजा का पाप जो है नष्ट हो, पुण्य की प्राप्ति हो और संतान सुख की प्राप्ति हो, जो उससे भूल होगी तो भूल हो चुकी है, अब क्या करें उपाय बतलाइए। तो ऋषि कहते हैं कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी जो पुत्रदा नाम की एकादशी है, आप पूरा प्रजा वर्ग जो है व्रत कीजिए, भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, जप कीजिए और इस प्रकार से व्रत कीजिए, उसका पुण्य अपने राजा को दीजिए, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य, जब राजा जो है प्रजा का पालन करते हैं तो प्रजा का भी दायित्व रहता है कि वह भी प्रजा भी अपने राजा की सुख समृद्धि के लिए, उसके दीर्घायु के लिए, उसके अभ्युदय के लिए जो है वह भी प्रार्थना करें। तो अब जो है उन्होंने बतलाया व्रत का विधान, बतलाया कैसे व्रत करना है, सारी विधि बतलाई, वो प्रजा वापस आई, आकर के जो उन्होंने जहाँ श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन जो है पूरी प्रजा ने व्रत किया और व्रत कर उसका पुण्य जो था वह राजा को दिया, जिसके फल स्वरूप जो है राजा के घर संतान हुई। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो ये व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, दुख दूर होती है, कष्ट से मुक्ति मिलती है, इस लोक में संसार में जो है वह साधक जो है सुखों को भोग करते हैं उसे, और फिर जो है उसे परलोक में भी परम गति प्राप्त होती है। इसलिए जो झोक दुजन जो है माँ भगवती की आराधना करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, पुण्य करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, भगवती के दर्शन करते हैं, संत सेवा करते हैं, संतों का आदर सम्मान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान जो है, साधु संतों का दर्शन, भगवती का दर्शन, क्योंकि भगवती जहाँ पर तप करें तो माँ का दर्शन जो है, जे पुण्य कर्म जो है इससे पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन यात्रा सुखद होती है। माँ भगवती आप शरणागत भक्तों पर सदा सर्वदा जो तीनों माता अपनी पूर्ण कृपा बनाए रहें, और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से आपके जीवन सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो, आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, आप उत्तर उन्नति को प्राप्त हो, और माँ वैष्णवी हर स्थान पर हर क्षण हर पल अंग संग आपकी रक्षा करें, आपकी दीर्घायु करें, आपके कारोबार में वृद्धि करें, सर्वत्र आपका मंगल मंगल करें, और ऐसी सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे कि आप इसी प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस जगजननी जगत माता की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो। बोले सच्चे दरबार जय। तभी भजन की बेला निवेदन करना श्री जयपाल से मां के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे, आप सभी भक्त संकीर्तन सहयोग देना सा मिलकर बोला ताल भी जाते हुए श्री जयपाल जी। जय दरबार की जय। मैं आया तेरे मां सुन लेना मेरी।
Thank you.
मैया कौन खिलैया, डूब न
वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा श्री रामानंद तू बंदे क्या जाने माता के चमत्कार तू बंदे क्या जाने माता के चमत्कार तू बंदे क्या जाने माता के चमत्कार तू बंदे क्या जाने चमत्कारों को माता के चमत्कारों को तू बंदे क्या जाने चमत्कारों तू बंदे क्या जाने माता के चमत्कारों तू बंदे क्या जाने माता के चमत्कारों तू बंदे क्या जाने जाने माता के चमत्कारों
श्रीमण कौंपा सिंह, आप भक्त जनों को इस सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में और विशेषतया आज पुत्रदा नाम की एकादशी के दिन जो है माँ के चरण बैठ करके इस आरती की पवित्र वेला में माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों कृपा बनी रही और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव, संतते भान भव, शर्मान सस्वे भव, प्रज्ञा भान भव, भूर्भुत करणे दाने कनिष्ठो भव, तेजस्वी भव, धैर्य गर्भधारणे व्यापार दक्ष भव, श्री शंकर पाद पूजनत सर्वोपकारी भव, मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ है, शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु, मित्रणाम देस्त, शरीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम अविदत, शुभमानम हियते धनम धान्यम पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपका सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे सम्मिलित प्रभाव में ताली बजाते हुए। ओम जय Thank you.
पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे धन्यवाद की करेंगे समझ करके बोलना।
देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि यशो देहि दिशो देहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु दुःखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चन मा कश्चन दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिः शान्तिः शांति पूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं, आप सभी आरती आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदगने, तृतीय मेरे कार्य करो हमेश जय माँ, आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैं आज कर तो सतगरी यो चरणा ध्यान जय माँ।
अर्णम चक्र गदेशु चाप परिगा शोलम शुंडिं शिरा शंखम सन्दर दिंकरे स्नेना सर्वांग भूषा पिता नीलाश्वंध कृपाक्ष पाद दशका सेवे महाकालिका यावस्तो त्वविते हरो कमलजो हन्तं मधुकेकवम् अक्षतर्पर्शं गदेषु पुलिशं परमं धनुष्पुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं प्रचर्मजलजं घण्टासुरावाजनम् शूलं पादसुदर्शने च दर्शिं हस्ते प्रसन्नाननां देवे देवमवर्धनी महिमः लक्ष्मी सरोजस्थिता घण्टा शूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् हस्ताभिरदिन्दनान्तविरस श्वेताशु तुल्यप्रभां गौरी देहतमुद्भवां त्रिगरुतां आधारभूता महां पूर्वामत्र सरस्वती मनुमये शुम्भादिदत्यादिने त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव भद्रोऽसु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव शान्ताकारं भुजगशरणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यान् गम्यं वन्दे विष्णुभवरं सर्वलोकेन्द्रनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे सुन्दरं माधवं गोपिकावल्लभं भारकं शिवं चन्द्रपये हरे मुरारे मङ्गलवारे गोविन्द गोपालनाथं किशोरे ज्ञानं भवेहि शरणं गदेहि विद्या भवेहि भगवन् नमो हे माय तेरी सच्चिया जो राम वाली माता तेरी सदा पंच फुला रानी माता तेरी सदा सर्वसदा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा लोंगड़ा बीरड़ा को तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो बोलो हर हर महादेव बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय आशीर्वाद प्राप्त हो आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो बोलो सच्चे दरबार की जय।